ओहो, सो क्या चल रहा है एवरीवन, इट्स मी कैप्रो। सो आज कुछ नहीं, आज सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उर्फी जावेद अभी बिग बॉस के घर में आई थी। उर्फी जी ड्रेस में तो स्क्रू लगवा ली है, बट एक काम करना, शो से बाहर निकलने के बाद है ना, एक स्क्रू ड्रेस से निकाल के अपने दिमाग में लगवा लेना, क्योंकि वो तो खराब हो गया है, चेंज ही करवाना पड़ेगा। जो लोग है ना, वो अपनी लाइफ में लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं, इंसानों से इंस्पिरेशन लेते हैं, बट हमारी जो उर्फी जी है ना, वो एनिमल से इंस्पिरेशन लेती है। इसे बोलते हैं पोर्क्यूपाइन। अब मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, दिख सबको रहा है, और उर्फी जी आपके सर पर ये रूअब्जा की बोतल कौन पलट गया। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, उर्फी जी पिछले सीजन में भी आई थी, और उस टाइम उर्फी जी के पास दिन कम थे और आज दिमाग। ऐसे तो सब लोग जानते ही होंगे उर्फी जावेद कौन है और वो क्या करती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साल और टमाटर भी देख लो, टमाटर ऊपर है। वैसे अमीर तो है उर्फी जी, 140 रुपए किलो है टमाटर। टमाटर ऊपर है भाई, थोड़ा ऊपर ऊपर देखो। वैसे उर्फी जी ने दोनों हाथ में टमाटर पकड़ रखे हैं। उर्फी मैडम मैडम जी, क्या ये आपका नया नमकीन अंदाज है? उर्फी जी प्लीज एक फोटो। अरे उर्फी, उर्फी जी मैं बोल रहा था, ये लो 60 रुपए, 4 ऊपर वाली और 2 नीचे वाली नमकीन तोड़ दो। सॉरी। अब तुम बोलोगे तेरी सोच छोटी है, कैसे बोल सकता है तू ये सब। भाइयों, उर्फी जी जो है ना, ये सब ट्रोल होने के लिए ही करती है, ताकि लोग उसे उल्टा सीधा बोले, ट्रोल करें, उस पे कमेंट पास करें, ताकि उसे अटेंशन मिले। बस जाओ, ब्रॉडकास्ट दिखाऊंगा तुम्हें, वहां सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो में बने रहो, वीडियो देखो एंड तक। नॉट री हार्म डूइंग मेक दिस ट्रेस। अरे हारम तो हमारा दिमाग हो गया, ये सब बकचोदी देख देख के। भाई अगर तुम कमेंट सेक्शन देखोगे ना, तो दो चार ही लोग ऐसे होंगे जो उसकी तारीफ करते होंगे, उसके साइड में होंगे, वरना सब ट्रोल करने वाले हैं लाइन से। चलो, लोगों को समझ तो आ गया कि च्युइंग गम डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, देखो फेंक भी रखी है। और ये तो फिर भी ठीक है भाइयों, बस और जो है वो मैं नहीं दिखा सकता भाइयों, सॉरी नहीं दिखा सकता वो सब चीज में। अब हम आपको दिखाएंगे हिपोक्रेसी। तो उर्फी जी का बहुत दिन पहले एक ब्रॉडकास्ट आया था, उसमें ये दोनों है ना पूरे एंगल से लगे हुए हैं उर्फी जी की इमेज सुधारने में, और जो कि कभी सुधरेगी ही नहीं। वैसे तो जो माइंड में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, वो बोले जा रहे हैं। फीमेल कम्युनिटी में आपने एक बहुत आपने रिस्पेक्ट अर्न किया, ऑनेस्टली ये पहली बार में सुन रही हूँ और आखिरी बार भी सुन रही हो। फीमेल कम्युनिटी भाई कुछ एक पल तो उसे खुश होने देता, थोड़ी सी तो खुशी रहने देता बेचारी के मुंह पर। मेल दिमाग और फीमेल दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है। गाइस थिंक थ्रू द डिक फर्स्ट। अरे उर्फी दीदी, इंटरनेट पर आकर अपने भाई और बाप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी ठीक नहीं। You really feel that? Yeah, I know that. I know that. All guys think through that. देखो, all तो generalize नहीं कर सकते हैं, so whenever you say all girl. Broadcast में आगे बैठे हो भाइयों, ज्ञान तो छोड़ूंगी। फिर जो हमारे ये ब्रॉडकास्ट वाले भैया है ना रणवीर जी, इन्होंने पूरी कोशिश की उर्फी जी की इमेज सुधारने की, स्टेटमेंट ठीक करने। बैन उर्फी जावेद, कहाँ से बैन करोगे? कहाँ से बैन करना है मुझे? मेरे घर से बैन कर दोगे क्या? अरे उर्फी दीदी, आपको घर में से बैन करने को बोल कौन रहा है, हम तो उसे बोले जो गंदगी आप घर के बाहर फैला रहे हो उसे बैन करो, घर में बैन नहीं करना आपको, जिंदगी में कुछ भी करना, कुछ भी, पर ये ब्रॉडकास्टर मत बनना भाई, इतना फेक हंसना पड़ता सामने वाले के सामने। I look at my Instagram following and I'm like, damn, that's what I want. Fame आपकी motivation है? Yes. यही तो बात है यार, इन लोगों को कुछ बोल दो तो ये बोल देते हम तो फेम कमा रहे हैं, हम तो पैसे कमा रहे हैं। भाई मैटर वो नहीं करता तुम पैसे कमा रहे हो, मैटर ये करता तुम पैसे कैसे कमा रहे हो। पैसे तो एक भिकारी भी कमा लेता है रोड पे, उसकी भी 2500 की आमदनी हो जाती है दिन की, बट मैटर ये करता तुम कैसे कमा रहे हो, किस एंगल से उस मनी को अर्न कर रहे हो तुम। अगर सब ये सोचने लगे तो कल को तो कोई चोर भी आके ये बोल देगा, भाई मैं तो चोरी कर रहा था, पैसे कमा रहा था, मुझे क्यों पकड़ लिया, मैं तो अपनी अर्निंग कर रहा हूँ ना। अब इसका ये मतलब है नहीं कि वो सही है चोर। देखो, हमारे एंगल से तुम कुछ भी करो, बाढ़ की भट्टी में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बाद में अगर उस चीज को जस्टिफाई या क्लियर करने की कोशिश मत करो ना। अगर मैं आज उर्फी जी के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ ना, तो कल को मैं ये नहीं बोलूंगा जाके कि मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। भाई मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, इन लोगों को क्या चाहिए, इनकी इमेज भी सुधरी रहे और काम भी सारे। मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन अच्छा लगता है यार। तुम भी बताओ
तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो होटल में? मुझे अटेंशन अच्छी नहीं लगती। आर यू किडिंग मी? भाई मैं अभी अपनी शर्ट फाड़ के और फटा हुआ कच्छा पहन के अभी रोड पे पहुंच जाऊं, लोग तो मुझे भी अटेंशन देने लगेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है, अटेंशन तो टिकटॉकर को मिल जाती है भाई, वो रोड पे खड़ा होकर नाचता है, लोग उसको अटेंशन देने लगते हैं। फिर वही है, अटेंशन मिल किस एंगल से रही है मैटर वो करता है। अटेंशन तो कोई भी ले ले, मैटर करती है इज्जत। विराट कोहली, एमएस धोनी के भी हेटर्स होते हैं। क्या कह रहा है? मुझे तो ऐसा लगता ना, ये ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं ना, ब्रॉडकास्ट करने से पहले चप्पल के नशे करके बैठते होंगे। कंपेयर कर भी किससे रहा है, वो लेजेंड है भाई। यही है कि जरूरी थोड़ी है कि आप जो चीज करो वो हर किसी को पसंद है, आपको हर किसी से वैलिडेशन मिल ही नहीं सकता। वाजी वाह, क्या बात करी है। एक मिनट, कपड़े दिखाने के अलावा आपके पास कुछ टैलेंट है? है कुछ टैलेंट? इसी को दिखा के तुम फेमस हो, लोग तुम्हें इसी की वजह से जानते हैं। अगर लोग तुम्हारी क्लोथ के ऊपर ही कमेंट पास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे भाई? बात तो सही है। हर पॉडकास्ट के पीछे मेरी एक इंटेंशन होती है। इस पॉडकास्ट के पीछे मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे आपके दिमाग को जान। भाई जो चीज एग्जिस्ट नहीं करते उसको जान के क्या करोगे तुम भाई? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता? इमेज क्लियर करनी है, लोगों को मैनिपुलेट करना है। लड़की आपको रिस्पेक्ट करती है क्योंकि दे थिंक यू आर सेलिब्रेटिंग फेमिनिज्म, और बहुत सारे लड़के आपको हेट करते क्योंकि शायद यू आर चैलेंजिंग पैट्रियार्की। आई मीन लड़कों का तो मुझे लगता है कोई हक ही नहीं बनता है बोलने का। गाइस थिंक थ्रू द डिक फर्स्ट। लड़की जिम जो जाते हैं ना, वो दिमाग अपना घर पे रख के जाते हैं। भाई मैं थक गया हूं यार लोगों की हिपोक्रेसी देख देख के ना। ये छड़ी के प्रोडकास्ट वाले भाई लोगों को अपने शो में बुला के, किसी को अपने सामने बिठा के उनसे फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्वेश्चन मत किया करो यार। उन्होंने अपनी लाइफ में किया क्या है? इंस्टाग्राम पे बस अपना ओ यार वही खाने के सिवा मेडलिस्ट, क्रिकेट प्लेयर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट को बुलाओ, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इन सबको बुलाओ भाई, इनसे वो लो ओपिनियन कि क्या करना चाहिए, इनसे नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है अपनी बॉडी को इस तरह से प्रेजेंट करने में, अपनी आर्ट को इस तरह से प्रेजेंट करने में, then why you getting so offended? मुझे समझ ही नहीं आता। अरे भाई नंगाई तो खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इट्स माय आर्ट, ये आर्ट है भाई मेरी, ये मेरी कला है। समझो भाई यार, गाली वाली मत बको, ये गलत बात है, गाली मत बको, ये मेरा आर्ट है, पहचानो इसे। सही बात है यार, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे पास राइट्स है, तुम कुछ भी करो, हम ही चूतिया भाई। क्या मैसेज देना चाहूंगी मैं दुनिया को भारत के बारे में, क्या बताना चाहूंगी? कल्चरली ना बहुत रिच है। कल्चर की बात कर कौन रहा है ये तो देख लो, कल्चर तो आपने बर्बाद कर रखा न्यू जनरेशन का। अगर अभी भैया ने सिर्फ डेफिनेशन भी पूछ ली ना कल्चर की, माँ कसम गूगल करती फिरेगी इधर उधर। अपने चिकनी चुकड़ी बातों से ना तुम लोगों के ओपिनियन चेंज कर सकते हो, लेकिन कल्चर चेंज नहीं कर सकते। कल्चर को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा तो बता दो क्या आउटफिट बनाओगे तुम? मैं बनाऊंगा सूट सलवार। भाई इन्होंने ऊपर लिख रखा एल्विश रोस्ट उर्फी जावेद, भाई वो रोस्ट नहीं किया है, इज्जत तेरा यार भाई, वो अलग बंदा। भाइयों देख, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, इस प्रोडकास्ट में बहुत चीजें अच्छी भी थी, सही भी बोली उर्फी जावेद ने, 10 में से 1 बात सही भी थी। नॉर्मल बात है यार, कोई तुम 18 साल की लड़की 19 साल की लड़की को सामने बैठा लो यार, ये बात है वो भी बोल देगी। वुमेन राइट्स के लिए उनके साथ क्या गलत हो रहा है, रेप वगैरह इन सब के लिए वो लड़की भी बोल देगी, कुछ नया नहीं बोला। देखो हमें प्रॉब्लम बस इस चीज से है, जो अपने आप को एक्सेप्ट कराने में लगे हुए हैं ना सोसाइटी में कि हम बहुत बढ़िया है, हम बहुत डिसेंट है, हम बहुत इनोसेंट है, हमें एक्सेप्ट करो, बस प्रॉब्लम उस चीज से है। मैं इन जैसे लोगों को बोल रहा हूँ, सिर्फ उर्फी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करते हैं एंड में आके बस वुमेन राइट्स का आकर डंका पेल देते हैं। भाइयों देखो हम किसी के अगेंस्ट नहीं, हम तो मजे में है, बस अपना चिल रहो। चलो गाइस वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम्हें कैसा क्या लगा, मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।